भारत सरकार ऐतिहासिक भोजशाला की सच्चाई को पता लगाने के लिए काफी समय से ठोस कदम उठा रही है और आखिरकार वह दिन सबके सामने आ ही गया जब लोगों को ऐतिहासिक भोजशाला की सच्चाई पता चलेगी। बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में MP हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में धार भोजशाला की सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर दी है। अब लोग इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ASI अपने पूरे 98 दिन का ब्यौरा उच्च न्यायालय में देंगी। इस दौरान 1700 से अधिक पुरातात्विक अवशेष के सबूत रखे जाएंगे। जांच के दौरान श्री कृष्ण, शिव, पटवारी, भोलेनाथ, ब्रह्मा समेत 37 देवी देवताओं की मूर्ति मिली है। इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कोर्ट को टीम सौंपेगी। वही इस मामले में सुनवाई 22 जुलाई को होगी। धार की भोजशाला का सर्वेक्षण ASI की टीम ने बारीकी से की। टीम ने 98 दिनों तक सर्वे किया गया। इस दौरान ASI ने अलग अलग तरह के अवशेष जब्त किए हैं जिसमें भोजशाला की दीवार पिलर खुदाई के दौरान 37 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। वहीं अब इसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। बता दें कि इंदौर हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को धार की भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे कार्य करने का आदेश आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को दिया था। सर्वेक्षण 22 मार्च से शुरू हुआ जो 27 जून यानी 98 दिनों तक किया गया। सर्वे के दौरान ASI की टीम ने खुदाई भी की। वहीं पूरे सर्वे के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई।